हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। आपके इस हमारे प्यारे से ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपका ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप घर बैठे ऑनलाइन आराम से बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म इसलिए क्रिएट किया गया है कि जो लोगों को घर से बाहर निकल कर तैयारी नहीं कर सकते, उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल मिलेगी। तो आज का जो हम लोग का UP SSC प्रैक्टिस सेट का सेशन है, वो आपका 7वां संस्करण है, 7th। क्लियर? तो अब हम लोग, जो लोग न हमारे चैनल पर नए हैं, तो एक सब्सक्राइब लाइक तो बनता है और बेल आइकन को तो ज़रूर आप दबा के रखिए, क्योंकि आपको पता नहीं कब कौन सा नोटिफिकेशन प्राप्त होता है जिससे आपकी मार्गदर्शन अच्छी हो जाए। तो चलिए हम लोग पहले अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर आया है, क्या है? करो या मरो का नारा किसने दिया था? भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस तथा महात्मा गांधी ने। तो इसका राइट आंसर डू और डाई का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? पहला ऑप्शन अकबर, शाहजहाँ, औरंगजेब तथा जहांगीर। तो इसका राइट आंसर है औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज़ शाह तुगलक। तो इसका राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? अमोघवर्ष वन, दंती दुर्ग, ध्रुव, कृष्ण वन। तो इसका राइट आंसर है दंती दुर्ग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12वां नंबर, 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है? पहला, दूसरा, तीसरा तथा चौथा। तो इसका राइट आंसर है आपका पहला। यूरोप की सबसे लंबी नदी है राइन, डानूबे, रोन तथा बोल्गा। तो इसका राइट आंसर है बोल्गा नदी। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर क्या है? बांग्लादेश। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? महाबलेश्वर, चेरापूंजी, उत्कमंडलम, मासिनराम। तो इसका राइट आंसर क्या है? मासिनराम। मासिनराम आपका कहाँ पड़ता है, ये कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हर्षचरित नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आर्यभट्ट, विष्णुगुप्त, बाणभट्ट, परिमल गुप्त। तो इसका राइट आंसर है बाणभट्ट के द्वारा आपका हर्षचरित लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में से कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? कौड़ी, दीनार, निस्क, पण। तो इसका राइट आंसर क्या है? दीनार। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे एशिया की ज्योतिपुंज के नाम के तौर पर जाना जाता है, जिसको हम कहते हैं ए लाइट ऑफ एशिया? गौतम बुद्ध को, महात्मा गांधी को, महावीर स्वामी को, स्वामी विवेकानंद जी को। तो इसका राइट आंसर है महात्मा गौतम बुद्ध को। शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? राजगुरु, भगत सिंह, लाला लाजपत राय तथा ऊधम सिंह। तो इसका राइट आंसर है आपका शेर ए पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नंबर है आपका, योजना पत्रिका का प्रकाशन निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, विज्ञान और दृश्य प्रचार निदेशालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। बैंकों का बैंक है एक्सिस बैंक, नाबार्ड बैंक, भारतीय स्टेट बैंक तथा रिजर्व बैंक। तो इसका राइट आंसर है रिजर्व बैंक। हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव पड़ा अनाज पर, दाल पर, गेहूं पर, सॉरी फल पर, सब्जियों पर। तो इसका राइट आंसर है गेहूं और चावल पर मेजर फोकस रहा, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तिथि है 1 अप्रैल, 1 जनवरी, 1 मई तथा 1 नवंबर। तो इसका राइट आंसर है 1 अप्रैल। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था, उसका नाम क्या है? रिचर्ड ग्रेग, वेब मिलर, किरबाई पेज, लुई फिशर। तो इसका राइट आंसर क्या है? वेब मिलर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। क्वेश्चन आपका है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए अबुल कलाम आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, पट्टाभी सीतारमैया, जे बी कृपलानी। तो इसका राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। क्लियर। सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? गोदावरी, ताप्ती, गंडक तथा नर्मदा। तो इसका राइट आंसर है आपका नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 नंबर, भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तिथि, ये तो आपका हो गया था क्वेश्चन 1 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कितने सदस्य होते हैं, या कितने सदस्य वर्तमान में हैं? 164, 145, 152, 142। तो इसका राइट आंसर है आपका, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते जाइए, 164, 164, क्योंकि समय बहुत कम है और परीक्षा में ज़्यादा पुटअप करना है, एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है, इसलिए हम आपको क्वेश्चन और आंसर डायरेक्ट बताते जा रहे हैं, आपको समय कम दिया जा रहा है सोचने की। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? सेकेंड भाग, सेकेंड भाग, थर्ड भाग, फोर्थ और तथा भाग फाइव। तो इसका राइट आंसर है भाग द्वितीय, सेकेंड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो इसका राइट आंसर है संवैधानिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वे संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 में भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई थी, 86 में, 85 में, 87 में तथा 84 में। तो इसका राइट आंसर है आपका 86 में। क्लियर। संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? 1, 2, 3 तथा 4। तो ये आपका राइट आंसर है 3। क्लियर। भारत में कितने स्तरों में अदालतें होती हैं? 2, 3, 4 तथा 5। तो इसका राइट आंसर है 3, त्रिस्तरीय। ध्वनि की तीव्रता का SI मात्रक क्या है? डेसिबल, हर्ट्ज, न्यूटन तथा टेस्ला। तो इसका राइट आंसर है आपका डेसिबल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित होता है? कॉपर, टिन, जिंक, कॉपर, लेड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, लेड, कॉपर, आयरन, निकेल। तो इसका राइट आंसर है आपका कॉपर, टिन तथा जिंक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 36 नंबर आपका क्वेश्चन देखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से वर्तनी दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? पुष्पांजलि, भास्कर, निरापराध तथा उज्ज्वल। तो इसका राइट आंसर क्या है? अशुद्ध है, निरापराध। क्लियर। पैरों से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है, सिरनख, शिखनख, पादम मस्तक, सिरों पर अपाद मस्तक। तो इसका राइट आंसर है आपका आपाद मस्तक। क्लियर। पगड़ी रख घी चख, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? मान सम्मान से ही जीवन का आनंद है, पढ़ लिख कर भी अनुभवहीन, निर्लज्ज होकर कुछ पाना, बदनामी से बुरा। तो इसका 38 का राइट आंसर है आपका मान सम्मान से ही जीवन का आनंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि और उसकी रचना का जोड़ा सही सुमेलित है? शिवराज भूषण, भूषण। क्लियर। फिर आपका है शब्द रसायन देवदत्त, परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला,
और उद्धव शतक, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका राइट आंसर नहीं है, सुमेलित जोड़ा नहीं है यहाँ पे, क्या कह रहा है, जोड़ा नहीं है, तो इसका उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है। क्लियर। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? सूर्यो प्लस दय, सूर्यो सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, सूर्य प्लस उदय। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर आपकी बात करते हैं। ताजमहल, ताजमहल किससे प्रभावित हो रहा है? SO2, CO, NO तथा CO2। तो ये आपका किससे प्रभावित हो रहा है? तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड से प्रभावित हो रहा है। किस विटामिन की कमी से रिकेट्स का रोग होता है? विटामिन डी, बी, ए तथा सी। तो इसका राइट आंसर है आपका विटामिन डी। क्लियर। ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण होता है माइकोबैक्टीरियम एओनिन द्वारा, स्फेटाइक लोकोकस द्वारा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस द्वारा, स्ट्रेप्टोकोकस द्वारा। तो यह आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस द्वारा होता है। क्लियर। अब अगला प्रश्न देखते हैं। फिफ्टी वन नंबर क्वेश्चन आपका, मई 2021 में अंटार्कटिका के रोनने आइस शेल्फ के पश्चिमी हिस्से से विश्व के सबसे बड़े हिमखंडों में से एक टूटकर अलग हो गया। वैज्ञानिक इसे हिमखंड का नाम क्या रखे हैं? A76, A72, B78, 182। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका नाम क्या रखा गया? A76। क्लियर। जून 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी प्रदत्त अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 किस अधिनियम को प्रस्तावित करेगा? अंतर्देशीय पोत अधिनियम 1872, 1905, 1917, 1918। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका है अंतर्देशीय पोत अधिनियम 1917। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जून 2021 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और संस्कृति संगठन, जिसको हम यूनेस्को के नाम से जानते हैं, समिति ने ग्रेट बैरियर रीफ को खतरे में विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जोड़ने की सिफारिश की है। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। तो इसका राइट आंसर आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2021 में अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमी जोन ने किस पोर्ट में विश्व समुद्र हैंडलिंग्स की 25% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? कृष्णापट्टनम पोर्ट, कोचीन पोर्ट, हल्दिया पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट। तो इसका राइट आंसर क्या है? कृष्णापट्टनम पोर्ट। क्लियर। 55 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, मार्च 2021 में संपन्न यूनेस्को ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? केंटो मोमोता, ब्रायन यंग, लीजी जिया, विक्टर एक्सलेसेन। तो इसका राइट आंसर है लीजी जिया। जून 2021 में उखनागिन खुरेलसुख किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? क्या नाम अजीब अजीब हैं भाई, उज्बेकिस्तान, मंगोलिया, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर है आपका मंगोलिया के लिए राष्ट्रपति चुने गए हैं, कौन से, खुरेल सुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर। जून 2021 में इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश पहले स्थान पर है? न्यूजीलैंड, डेनमार्क, पुर्तगाल, आइसलैंड। तो इसका राइट आंसर आपको हमने बताया था करंट अफेयर क्लासेस में, इसका राइट आंसर है आपका आइसलैंड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वित्त वर्ष 2020-21 में अब तक सबसे अधिक FDI प्रवाह आकर्षित किया गया है, यह FDI प्रवाह राशि कितनी है? 81.72 मिलियन, 85.75 मिलियन डॉलर, 89.25 मिलियन डॉलर, 92.75
6.8 बिलियन डॉलर। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है आपका 81.72 मिलियन डॉलर। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 66 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय तथा असम। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है मणिपुर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, तबल चोंगली किस राज्य के लोक नृत्य का रूप है? पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, असम तथा महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर है आपका असम। भारत के विभाजन के समय जो सीमा रेखा खींची गई वह कहलाती है? ड्यूरंड रेखा, रेडक्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, माउंट बेटेन रेखा। तो इसका राइट आंसर है आपका रेडक्लिफ रेखा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार तथा राजस्थान। तो इसका राइट आंसर है आपका उत्तर प्रदेश। ये UP SSC का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 59 नंबर, 70 नंबर आपका क्वेश्चन देखिए। सर्वप्रथम, हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, USA तथा मैक्सिको। तो इसका राइट आंसर आपका है USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर देखते हैं, 12 से 16 जनवरी 2021 के मध्य 24वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस वर्ष इस महोत्सव का मुख्य विषय क्या था? युवा उत्साह, नए भारत का, युवा विकास, नए भारत का, युवा शक्ति, राष्ट्रभक्ति, युवा विकास के नए आयाम। तो इसका राइट आंसर क्या है? युवा विकास, नए भारत का। अगला प्रश्न 60 वर्ष 60 का है, 60 क्वेश्चन का है। वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार किससे प्रदान किया गया है? मार्लन जेम्स, पॉल बीटी, एना बर्न्स, डगलस स्टुअर्ट। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका डगलस स्टुअर्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित त्योहारों में से किसकी अर्थ मेरी मेकिंग ऑफ द गाइड गॉड्स है? दिवाली, मकर संक्रांति, पोंगल, लाई हरोवा। तो इसका राइट आंसर है आपका लाई हरोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी, गौतम गंभीर तथा विराट कोहली। तो ये आपका लिखा है इन्होंने, युवराज सिंह ने। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में डेयरी रिसर्च सेंटर कहाँ है? करनाल, आनंद, गुजरात, मथुरा, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़। चंडीगढ़। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका करनाल। करनाल आपका कहाँ पड़ता है? NDRI, करनाल, हरियाणा, जिसका नाम क्या है? NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल हरियाणा में आपका स्थित है। क्लियर? प्रथम भारत रत्न किसे मिला? जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, BC राय और CV रमन। तो इसका राइट आंसर है CV रमन को मिला था। अब आप क्वेश्चन ये बताएंगे कमेंट बॉक्स में किस क्षेत्र में इनको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 15 अक्टूबर, 3 मार्च, 27 जनवरी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 8 मार्च। क्लियर? आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।